हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूँ हमारा आपके यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप के अंदर एक प्री वेडिंग फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, वो भी चार स्टेप्स के अंदर। सिंपली आपको चार स्टेप्स के अंदर आपको पूरा एडिटिंग होने वाली है, और वो बेसिकली ऐसा स्टेप्स होता है कि किसी भी प्री वेडिंग फोटो को ये चार स्टेप्स की मदद से आप एडिटिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। तो सबसे पहले मैं तो फोटोशॉप के अंदर ले जाऊंगा और ले जाके आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। लेकिन इसके एडिटिंग करने से पहले आपको एक बता दूं, ये जो फोटो होने वाली है लैंडस्केप पे फोटो होने वाली है, जो कि प्री वेडिंग फोटोशूट में यूजुअली जो होता है, और साथ में इसका जो फोटो ऐसा शूट करना है ताकि आपका स्काई की थोड़ी सी पार्ट आ जाए एंड साथ में कुछ बैकग्राउंड का पार्ट भी आ जाए। एंड मैं जो फोटो को चूज किया, इसका थोड़ी सी वाटर जो बैकग्राउंड है वो भी है, मतलब सामने वाला हिस्सा जो है वो वाटर का है, तो उसी के ऊपर मैं पूरा एडिटिंग दिखाऊंगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे तो ऑलरेडी आप लोगों को दिखा ही चुका हूं प्रीव्यू, जिसके मदद से आपको पता चल गया होगा कि पहले फोटो कैसा था और एडिट करने के बाद मेरे को कैसा रिजल्ट मिला है। तो चलिए सबसे पहले मैं मेरा फोटोशॉप पे ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं जो फोटोशॉप जो आज यूज करने वाला हूं वो है फोटोशॉप सीसी 2022, जो लेटेस्ट वर्जन जो मैं यूज करता हूं यूजुअली। तो 2022 क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर स्काई रिप्लेसमेंट का ऑटोमेटिक फीचर्स मिल जाती है, और कोई सा भी नॉर्मल फोटो को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्काई रिप्लेसमेंट बहुत ही इनफ है। तो चलिए सबसे पहले फोटोशॉप के अंदर ले चलता हूं। तो देख सकते हो मैं सिंपली फोटोशॉप के अंदर आ चुका हूं, और ये वाला फोटो देख सकते हो, इसी वाला फोटो के ऊपर पूरा एडिट करूंगा। सिंपली यहाँ पे जो चार पार्ट होने वाली है उसका पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहला पार्ट स्टार्ट करने से पहले यूजुअली जो फोटो एडिटिंग के लिए मैं करता हूं, जो कि बैकग्राउंड लेयर का, बैकग्राउंड का राइट क्लिक करके एक डुप्लीकेट लेयर बनाना। देखो, कुछ ऐसे बैकग्राउंड का डुप्लीकेट लेयर अगर आप बना लेते हो तब आप जितना सारा एडिटिंग करोगे ना वो बढ़िया तरीके से बनेगा। तो बैकग्राउंड का कॉपी बना लेने के बाद आपको क्या करना होगा, अभी जो स्टेप नंबर वन, तो सबसे पहला जो स्टेप्स आप लोगों को बता रहा हूं कि स्काई रिप्लेसमेंट एंड कुछ कलर रिप्लेसमेंट अगर करना हो वो आपको पहले करना होगा। तो स्काई रिप्लेसमेंट कैसे करना है, तो पहला स्टेप से आपको सबसे पहले यहाँ पे एडिट पे जाना है। सिंपली यहाँ से स्काई रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट करना, कुछ ऐसे आपको एक पॉपअप आ जाएगा। और देखो, थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने के बाद ये ऑटोमेटिकली स्काई तो रिप्लेस कर चुका है आपका, और आपको वही वाला स्काई चूज करना है। आपको ये आरो पे क्लिक करके बहुत सारा स्काई मिल जाएगा, आप वो चूज कर लेना। और अपना अगर खुद का स्काई यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हो तो सेटिंग्स आइकन के ऊपर क्लिक करो, और यहाँ पे आपको गेट मोर स्काइज करो, एंड यहाँ पे इंपोर्ट इमेजेस कर सकते हो, या इंपोर्ट प्रीसेट जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो वो आप यहाँ से ऐड कर लेना। देन आप ये बढ़िया तरीके से सारा कुछ कर पाओगे। तो यहाँ से देखो, मैं ब्राइटनेस को थोड़ी सी इंक्रीज करने वाला हूँ यहाँ पे स्काई का, नियर अबाउट यहाँ पे 50 के आसपास मैं यहाँ पे ब्राइटनेस इंक्रीज करने वाला हूँ, ताकि ये जो बैकग्राउंड के साथ, ये जो मेन फोटो के साथ, ये अच्छे से मैच हो जाए। देन मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर को फुल्ली -100 करूंगा, ताकि और भी थोड़ी सी अट्रैक्टिव लुक मेरे को मिल जाए। एंड देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लाइट एडजस्टमेंट को जो है इसको पूरा कलर एडजस्टमेंट एंड लाइट एडजस्टमेंट को, कलर एडजस्टमेंट 0 किया, और यहाँ पे लाइट एडजस्टमेंट को मैं सिंपली कुछ ऐसे अमाउंट पे सेट करूंगा ताकि जो स्काई है ना वो बढ़िया लगने लगे। देखो, लाइट एडजस्टमेंट जो होती है वो आप यूजुअली 0 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप अगर चाहते हो तो थोड़ा सा चेंजेस वगैरह करके देख लेना कैसा रिजल्ट मिल रही है। एंड सिंपली बाकी सारा सेटिंग्स मेरा सही रहेगा, मैं सिंपली करूंगा ओके। तो पहला स्टेप्स मेरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि स्काई रिप्लेसमेंट करना, मतलब कलर फिक्स करके स्काई का जो रिप्लेसमेंट होती है वो मैंने कर चुका हूं। अब दूसरे नंबर पे जो स्टेप्स आती है वो है मेरे बैकग्राउंड के साथ साथ जितना सारा मैंने यहाँ पे नीचे वाला जो कलर वगैरह जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ है, ये वाला पत्थर वगैरह, इसके ऊपर पूरा जो कलर चेंज होता है, स्टेप नंबर 2 जो होती है वो कलर रिप्लेसमेंट वगैरह। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक नीचे वाला जो पानी है इसका कलर को थोड़ी सी फिक्स करने वाला हूं। तो उसके लिए एडजस्टमेंट आइकन पे जाऊंगा, जहां से एक सॉलिड कलर वाला लेयर लेने वाला हूं, एंड देन कुछ ऐसा कलर चूज करूंगा, नियर अबाउट एक कोड देख लो, कुछ ऐसे अमाउंट को चूज करना है, देन करना है ओके। अब इसका ब्लेंडिंग मोड मैं करने वाला हूं विविड लाइट, देखो कुछ ऐसे विविड लाइट मैंने बना चुका हूं। अभी ये वाला लेयर की मदद से देखो कुछ ऐसे चेंजेस आया है, बट आपको घबराना नहीं है, ओनली ये जो पानी के ऊपर अप्लाई करना है, तो इसलिए मास्क के ऊपर आप क्लिक करो एंड कंट्रोल आई दबाते हुए इसको इन्वर्ट कर लो। तो देखो, इन्वर्ट हो चुका है, मतलब कि मास्क पूरा फोटो से हट गया है। अभी देखो, मास्क का कलर ब्लैक है, इसलिए मैं रखूंगा फोरग्राउंड कलर व्हाइट। एंड ब्रश टूल की मदद से आपको क्या करना है, ब्रश की मदद से धीरे धीरे करके पूरा जो पानी के ऊपर ब्रश करना है, और परफेक्टली जूम करके आपको एजेस वगैरह भी ब्रश कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले मैं एजेस वगैरह यहाँ पे जो है वो परफेक्टली ब्रश कर लेता हूँ।
तो देख सकते हो मैंने पूरा इस तरह से जो यहाँ पे पानी का कलर है वो बढ़िया तरीके से मैं चेंज कर चुका हूँ, जो कि थोड़ी सी सिनेमेटिक टाइप का कलर्स होती है वो मैंने यहाँ से डाल चुका हूँ। अभी सिंपली क्या करना है मेरे को, अभी जो बाकी काम है ये जो नीचे देखो यहाँ पे कुछ पत्थर के बीच में जो घास वगैरह है वो थोड़ी सी योलिश टाइप का कलर है, इसको मैं फिक्स करने वाला हूँ। तो इसको फिक्स करने के लिए एडजस्टमेंट आइकन पे दोबारा से जाओ, एक सिलेक्टिव कलर वाला ले लो एंड सिंपली येलो कलर का चूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे येलो कलर है, बाद में इसको ग्रीन भी चूज करना होगा आपको। सिंपली यहाँ से जो कैन कलर होगा इस कैन को फुल्ली -100 मैंने यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से जो मैजेंटा होगा वो भी फुल्ली -100 कर रहा हूँ, येलो को फुल्ली 100 कर रहा हूँ। देन मैं क्या करूंगा यहाँ पे ग्रीन कलर के ऊपर जाऊंगा और इस ग्रीन का जो कैन है यह फुल्ली 100 एंड यहाँ से मैजेंटा को फुल्ली -100 एंड येलो को फुल्ली 100। कुछ ऐसे अमाउंट डालने के बाद देखो कुछ ऐसे कलर टोन वगैरह फिक्स हुआ है, देखो कुछ ऐसे मेरे को आ चुका है। लेकिन अभी और भी कुछ स्टेप्स है इसको बढ़िया तरीके से ग्रीन बनाने के लिए, मैं यूज करूंगा चैनल मिक्सर और कुछ चैनल मिक्सर का सेटिंग्स आपको बता देता हूँ। ये मेरा ओपन हो गया है चैनल मिक्सर, अभी सिंपली इसका जो ग्रीन होगा वही ग्रीन को -100 करो, सिंपली इसका जो आउटपुट चैनल रेडी रहेगा और यहाँ पे ब्लू को 100 करो। कुछ ऐसे अमाउंट डालने के बाद आप क्रॉस कर देना और ये वाला देखो ये वाला लेयर की मदद से पूरा फोटो के ऊपर ऐसे अप्लाई हो गया है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, स्काई से एंड इसका फेस वगैरह के साथ आपको थोड़ी सी चेंजेस करना होता है। तो देखो मास्क को मैंने सिलेक्ट किया और ब्रश टूल की मदद से देखो ब्रश टूल की मदद से मैं कुछ ब्रश का साइज इंक्रीज कर लिया और देन मैं क्या करूंगा यहाँ पे फोरग्राउंड कलर में ब्लैक रख के ये जो स्काई के ऊपर जो कलर वगैरह आ गया था इसको मैं थोड़ी सी फिक्स करने वाला हूँ। देखो कुछ ऐसे मैं ब्रश करूंगा तो स्काई का कलर तो फिक्स हो जाएगा, साथ में आपको क्या करना होता है अभी जो मेन फोटो का कलर है ना इसको आपको फिक्स करना होता है। तो मैंने क्या करूंगा जूम करके ही फेस के ऊपर ब्रश करूंगा, अदरवाइज ये बाहर वाले हिस्से के ऊपर भी ब्रश हो सकती है, आपको वो ध्यान पे रखते हुए पूरा पूरा फोटो के ऊपर इस तरह से ब्रश करना है। धीरे धीरे करके जितना टाइम दे सकते हो वैसे आप यहां से ब्रश कर लो तो बढ़िया रिजल्ट आपको मिल जाएगा। देखो कुछ ऐसे मेरे को अमाउंट्स मिल चुका है, अभी पूरा फोटो देखो कुछ ऐसे मिल रहा है मेरे को, मैंने कलर रिप्लेसमेंट वगैरह कंप्लीट कर चुका हूं लेकिन थोड़ी सी यहां पे कलर की एडजस्टमेंट करना अभी भी बाकी है। क्या बाकी है, मेरे इस फोटो के ऊपर थोड़ी सी डार्सी टाइप का कलर्स मेरे को दिख रहा है, ये सारा कुछ रिमूव करना होता है। तो मैं उसके लिए एडजस्टमेंट आइकन पे जाके थोड़ी सी सिलेक्टिव कलर वाला लेयर लूंगा, आप चाहो तो इसको लेबल्स वाला लेयर की मदद से भी कर सकते हो। वो कैसे करना है चलिए आपको सबसे पहले यहां से दिखाता हूं। यहां पे आप क्या करना है कलर्स को सबसे पहले नेचुरल को चूज करो, इसका ब्लैक को इंक्रीज करो नियर अबाउट 15 के आसपास, देखो मेरे इस फोटो के मुताबिक 15, आपके फोटो के मुताबिक 3-5 के आसपास भी मैच कर सकता है। अभी इतना होने के बाद मैं ब्लैक कलर को भी चूज किया, इसको +3 के आसपास डाल के क्रॉस कर दिया। अभी ये वाला मतलब यार की मदद से देखो थोड़ी सी डस्ट कलर जो है वो मेरे यहाँ से रिमूव हो चुका है, आप चाहो तो इसके अल्टरनेटिव जो है वो है आपका कार्ब, सिंपली कार्ब वाला लेयर की मदद से ऊपर वाला हिस्सा थोड़ी सी इतना तक ड्रैग करना है और नीचे वाला हिस्सा कुछ ऐसे अमाउंट पर ड्रैग करना है। आप चाहो तो ब्राइटनेस अगर ना देना चाहते हो तो ऊपर वाला हिस्सा को मत ड्रैग करो, बट नीचे वाला हिस्सा को आपको ड्रैग करना जरूरी है, इसके ऊपर आपको पूरा पूरा होगा काम। तो देखो ऐसे मैंने कर चुका हूं, अभी ये वाला मैं दोनों लेयर को मैं एनेबल नहीं करूंगा, ओनली नीचे वाला को ही रखूंगा और एक जो कर्ब वाला है ना ये आप अपने मुताबिक यूज कर सकते हो अगर आपको चाहिए होगा। अभी देखो मेरा स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है जो कि है कलर रिप्लेसमेंट वगैरह तो मैंने कर चुका हूं, अभी थर्ड स्टेप्स आपका क्या होगा। देखो थर्ड स्टेप्स पूरा पूरा फोटो मेन जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर काम है, जैसे कि स्किन का कलेक्शन करेक्शन वगैरह, कुछ ड्रेस का करेक्शन वगैरह वो अगर करना चाहते हो तो थर्ड स्टेप्स पे वो करना है। देखो मेरे स्किन उतना बढ़िया नहीं है तो मैं यहां पे सबसे पहले क्या करूंगा थोड़ी सी एडजस्टमेंट आइकन पे जाके सॉलिड कलर वाला एक लेयर लूंगा जिसका कलर होगा व्हाइट एंड सिंपली करूंगा ओके। अभी इसका क्या करना है आपको सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करना है ये कलरफुल वाला लेयर के ऊपर, तो इसका लेयर स्टाइल ओपन होगा, आपको क्या करना होगा ब्लेंड इफ ग्रे ही रहेगा एंड सिंपली अंडरलाइन लेयर को ऑल्ट प्रेस एंड होल्ड करते हुए आपको राइट साइड तक कुछ ऐसे ड्रैग करना है। देखो कुछ ऐसे मेरे को अमाउंट्स मिल रही है, आपको घबराना नहीं है, इसका रेड कलर को दोबारा से चूज करो एंड दोबारा से इसको राइट साइड तक ऑल्ट प्रेस एंड होल्ड करके ड्रैग करना देन ओके कर लेना। अभी इसका ब्लेंडिंग मोड आपको चेंज करना होगा सॉफ्ट लाइट पे ताकि बढ़िया तरीके से स्किन का व्हाइटिंग आ जाए। अभी मैंने सॉफ्ट लाइट कर चुका हूं और ये जो मास्क है पूरा फोटो के ऊपर देखो अप्लाइड है, बट ये मेरे को ओनली स्किन के ऊपर चाहिए तो इसलिए कंट्रोल आई दबाऊंगा तो इन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखो फोरग्राउंड कलर मैं रखूंगा व्हाइट क्योंकि देखो मास्क का कलर मेरा ब्लैक है और देन मैं ब्रश टूल को चूज करके धीरे धीरे करके अगर इस तरह से स्किन के ऊपर ब्रश करता हूं आप खुद देख लो कैसा रिजल्ट मिल रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे स्किन जो है वो व्हाइट टाइप का बन जाएगा और बहुत ही प्रोफेशनल लगेगा, आप खुद ही देखोगे तो बहुत ही प्रोफेशनल टाइप का यहाँ पे कलर्स लगेगा। देखो कुछ ऐसे मेरे को मिल चुका है, आप जितना मर्जी चाहो आप उतना लाइटनेस वगैरह है वो जो ड्रेस के ऊपर ऐसे डाल सकते हो। देन देखो इतना तो मेरा कंप्लीट हो चुका है और अगर आपका कलर्स वगैरह जो ड्रेस के ऊपर परफेक्टली चाहिए होगा तो आप क्या करना है आपको यहाँ पे वाइब्रेंस मिल जाएगा, आप ये वाइब्रेंस वाला लेयर इंक्रीज करो। तो यहाँ पे देखो वाइब्रेंस इंक्रीज करने के बाद आप थोड़ी सी फोटो के ऊपर जो सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ी सी एडजस्टमेंट परफेक्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है इसका मास्क जो है कंट्रोल आई दबाते हुए इन्वर्ट करना है,
एंड इन्वर्ट करने के बाद अभी देखो मास्क का कलर ब्लैक है, इसलिए दोबारा से फोरग्राउंड कलर व्हाइट रखते हुए मैं धीरे धीरे करके इसका ओनली ड्रेस के ऊपर ब्रश करूंगा। तो खुद ही देख लो रिजल्ट कैसा मेरे को मिल रहा है। तो रिजल्ट बढ़िया तरीके से मिल जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसके बाद वाला जो स्टेप्स है, स्टेप नंबर जो है 4, स्टेप नंबर 4 पे पूरा फोटो का कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग, जो कुछ भी होता है वो पूरा पूरा काम होगा कलर के ऊपर। तो पूरा फोटो का कलर के ऊपर कैसे काम करोगे, तो वाइब्रेंस को मैंने पहले सिलेक्ट किया एंड शिफ्ट दबाते हुए नीचे वाला बैकग्राउंड कॉपी को सिलेक्ट किया, तो क्लिक किया तो पूरा पूरा सिलेक्ट हो चुका है। अभी कंट्रोल जी दबा के इन सारे लेयर को ग्रुप बना लिया। अभी आपको सबसे पहले स्टेप नंबर 4 अप्लाई करने से पहले आपको प्रीव्यू दिखा देता हूं। कुछ पहले फोटोस ऐसा था और एडिट करने के बाद मेरे को इतना तक रिजल्ट मिल चुका है ऑलरेडी। अभी मैं क्या करूंगा, इसी ग्रुप को कंट्रोल जे दबाते हुए डुप्लीकेट ग्रुप बनाऊंगा, क्योंकि ये जो ग्रुप है एक ग्रुप को मेरे को नॉर्मली बैकअप के लिए रखना है नीचे वाला ग्रुप को, और ऊपर वाला ग्रुप के ऊपर मैं पूरा पूरा कलर ग्रेडिंग वगैरह करूंगा। कैसे करना है, कंट्रोल जी दबाओ, इसको मर्ज हो जाएगा, एक फोटो पे बदल जाएगा। देखो जब फोटो पे बदल जाएगा आपको जाना है फिल्टर, कैमरा और फिल्टर। सिंपली यहां पे कैमरा और फिल्टर कंट्रोल शिफ्ट ए दबा के भी ओपन कर सकते हो। अब देखो कुछ ऐसे मैंने यहां से ओपन कर चुका हूं। अभी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहां पे कलर वगैरह ठीक कर लो कलर मिक्सर पे जाके। तो कलर मिक्सर पे मैंने ऑलरेडी आ चुका हूं, ग्रीन कलर को सबसे पहले चूज करूंगा और इस ग्रीन का सैचुरेशन जो है वो फुल्ली 100 कर दूंगा, ताकि देखो और भी बहुत ही बढ़िया एंड अट्रैक्टिव लुक मेरे को आ जाए। देन मैं क्या करूंगा, कैन के ऊपर जाऊंगा, इस कैन कलर को भी पूरा पूरा 100 कर लूंगा। ब्लू को आपको नहीं करना है, ब्लू नॉर्मली रहेगा, बट आपको बाकी सारा चीजें इस तरह से कर लेना है। अभी मैं क्या करूंगा, यहां से ऑरेंज कलर के ऊपर जाऊंगा, इसका ऑरेंज का जो -30 के आसपास कुछ ऐसे सैचुरेशन को डाल के इसका जो लुमिनेंस होगा वो +30 के आसपास डाल दूंगा। कुछ ऐसे मेरे को मिल चुका है, बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको। एंड सिंपली यहां से येलो कलर को चूज करो, एंड येलो कलर को चूज करने के बाद आप सिंपली यहां से थोड़ा सा डाउन करके इस सुई को सैचुरेशन थोड़ी सी इंक्रीज कर दो, कुछ ऐसे इंक्रीज कर सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट होगा भी कोई दिक्कत नहीं है। लुमिनेंस थोड़ा सा चाहो तो येलो के ऊपर इंक्रीज करोगे तो थोड़ी सी ब्लैक स्पॉट्स वगैरह यहां से हट जाएगा। देखो कुछ ऐसे मेरे को फोटो मिल रही है, आपको घबराना नहीं है, बाकी सारा भी यहां पे आपको दिखाऊंगा क्या करना है। बेसिक पे जाओ, सिंपली यहां से सीधा जाओ वाइब्रेंस के जगह पे, आपको वाइब्रेंस इंक्रीज करना है नियर अबाउट 50 के आसपास। आप खुद ही देख पाओगे वाइब्रेंस इंक्रीज करने के बाद कितना बढ़िया रिजल्ट मिल रही है। एंड सिंपली यहां से डेहज को जो है, डेहज को आप +10 के आसपास इंक्रीज कर लो, और यहां पे कुछ नहीं करना है, सिंपली ऊपर में जाना है, एक्सपोजियर फोटो के लाइटनेस के मुताबिक आपको चेंज करना है। मेरे को यहां पे थोड़ी सी एक्सपोजियर चाहिए तो इसीलिए 0.1 के आसपास इंक्रीज किया। कंट्रास्ट में यहां पे 10 to 15 के आसपास आपको चाहिए होगा, वो आप दे देना, किसका अमाउंट आपको लग रही है आप देखना पहले। एंड देन मैं क्या करूंगा, यहां से हाईलाइट्स को थोड़ी सी डाउन करके शैडोज को लिटिल बिट इंक्रीज करूंगा, तो बढ़िया मेरे को रिजल्ट मिलेगा। आप अपने मुताबिक सारा कुछ मैनेजेस वगैरह कर लीजिएगा। यहां पे मेरे को जितना बढ़िया अमाउंट जो जो लगे वो मैं यहां से डाल रहा हूं, थोड़ी सी व्हाइट मेरे को चाहिए, मैं वो भी डाल चुका हूं। अभी यहां पे कुछ नहीं करूंगा, डिटेल्स पे जाके मैं सिंपली यहां से शार्पनिंग को 25, नॉइज रिडक्शन को 25 एंड कलर नॉइज रिडक्शन, इन तीनों को इस तरह से अमाउंट डाल रहा हूं 30 के आसपास कलर नॉइज रिडक्शन। अभी इतना सारा चीजें मेरा हो गया है। अभी मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां से इफेक्ट पे जाके इफेक्ट के आपको बेगनेट मोड जो है वो -50 के आसपास डाल रहा हूं, -50, फेदर को फुल्ली 100 कर दिया। कुछ ऐसे अमाउंट हो गया है, मैं सिंपली करता हूं ओके। अब देखो यहां से कलर जो ग्रेडिंग है वो यहां पे कंप्लीट हो गया है ऑलरेडी। अभी कंप्लीट हो जाने के बाद आप देख लो प्रीव्यू देख लो, पहले फोटो कुछ ऐसे था और पूरा पूरा इतना तक मैंने 4 जो स्टेप्स अप्लाई किया, अभी इस तरह से रिजल्ट मेरे को मिल रही है। अभी मैं इसके ऊपर कुछ चीजें अप्लाई करने वाला हूं, जो कि है देखो थोड़ी सी एक पीएनजी मैं यहां पे ऐड करने वाला हूं। इस पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके ये वाला पीएनजी को डाउनलोड कर लीजिएगा। देन आपको इसको प्लेसमेंट करना होगा, कुछ ऐसे जगह पे मैंने यहां से प्लेसमेंट कर रहा हूं। एंड प्लेसमेंट होने के बाद अगर आपका ये वाला पीएनजी यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, यहां पे सबसे पहले इफेक्ट्स पे जाओ, यहां से आपको आउटर ग्लो मिल जाएगा। सिंपली आउटर ग्लो को चूज करो एंड आपको क्या करना है, जो स्प्रेड है 1 के आसपास रखना है एंड यहां से जो साइजेस है वो 100 के आसपास डाल देना है। देन आप ओपेसिटी यहां पे थोड़ी सी इंक्रीज डिक्रीज करके देख लो कैसा अमाउंट मिल रहा है, मैं 90 के आसपास ओपेसिटी पसंद करता हूं। और यहां से व्हाइट कलर को चूज कर लो एंड सिंपली करो ओके। अभी देखो पूरा पूरा मेरा यहां से कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही बढ़िया भी लग रहा होगा। अभी चलिए मैं क्या करूंगा, इन ग्रुप को ऑन करता हूं, इन सारे लेयर्स को सबसे पहले सिलेक्ट करता हूं, देन आपको कंट्रोल जी दबाते हुए ग्रुप बनाया। पहले फोटो देखो कुछ ऐसा था और एडिट करने के बाद मेरे को कुछ ऐसा रिजल्ट मिल गया। तो देख सकते हो कैसा रिजल्ट मेरे को मिल चुका है। आशा करता हूं आज का एडिटिंग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वाला ट्यूटोरियल पसंद आते तो जरूर बार वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नए को एडिटिंग के साथ, नए को ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।